जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सब ने अपनी सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं, देन फिर आपको आगे देखते हैं लेक्चर। क्योंकि ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट होगी तो देन ही हम आगे लेक्चर की तरफ चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद बेटा, आप अनम्यूट हो जाएं। आपकी असाइनमेंट तो यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहे मुझे। जी जी वालेकुम असलाम सर। वैसे सॉरी, असाइनमेंट मैं ना ये लेक्चर के बाद कंप्लीट करके आपको देता हूँ। मैंने टूल्स आज बाय किए अभी थोड़ी देर पहले, उसके लिए वेरी सॉरी। मैं आफ्टर लेक्चर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके देता हूँ इंशाल्लाह। देखें बेटा, आपको जो एक दिन दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि आप जी उसमें अपनी असाइनमेंट अच्छे से ना कंप्लीट कर सकें। सर, बिल्कुल मैं इस बात को समझता हूँ। मैं माजरा चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट नहीं कर सका। मैं इंशाल्लाह लेक्चर के बाद आपको कंप्लीट करके देता अब हूँ। आज के जो वेरी लेक्चर होना है उसकी भी असाइनमेंट आपको मिल जानी है, तो फिर ये आप के सर, वो मैं ऊपर इंशाल्लाह काम। कल कर लूंगा। जो मेरी पेंडिंग पड़ी है वो मैं लेक्चर के बाद आपको कंप्लीट कर देता अच्छा चले, मैं इसको पेंडिंग कर रहा हूँ, या आपने मुझे नेफ्ट के साथ ना चेक करवानी है फिर। जी इंशाल्लाह। ओके डन सर, डन डन। ओके वेरी ओके सॉरी सर, फॉर ओके। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हसीना एब्सेंट हैं, इनका नेटवर्क का इशू है। अच्छा जी जी मिस लाइबा, प्लीज़ बेटा आप अनम्यूट हो। मिस लाइबा बेटा आप अनम्यूट हो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, अजान हो रही है इसलिए नहीं बोल रही। अच्छा जी सर बेटा, असाइनमेंट आपकी कहीं मुझे नजर नहीं आ रही है। मोस्ट घर के साथ है, मोस्ट बिल्कुल घर के साथ है। ओके चलें आप फिर म्यूट हो जाएं, मैं बाद में आपसे कर लेता हूँ, बाद में चेक करते हैं आप। सर, बाद में पूछ रहा हूँ। ओके। अच्छा, ये चॉइस के नाम से किसका जूम आईडी है? चॉइस के नाम से, इस तरह के नामों से बेटा आप अपनी आईडी ना बनाएं, फिर नाम का नहीं पता चलता। हु इज बाय द नेम ऑफ चॉइस? वो अनम्यूट हो जरा जो चॉइस के नाम से हैं। चॉइस के नाम से बेटा जिसका आईडी है जूम का, वो जरा अनम्यूट हो जाएं। अच्छा वो लेफ्ट हो गए अब। अच्छा जी चले जी, नेक्स्ट किसकी है? मोइस जी, मोइस बेटा आप अनम्यूट हो जरा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा वालेकुम सलाम। जी ये आपकी तरफ वो नेटवर्क का इशू सॉल्व हो गया? जी सर, हो गया। चलें वेरी गुड। तो कहाँ पे आपकी, यहाँ मुझे कहीं कोई ना तो शीट नज़र आ सर रही है, ना पेज नज़र आ रहा है, ना असाइनमेंट नज़र आ असाइनमेंट रहा है। कंप्लीट नहीं हुई। इंशाल्लाह सुबह आपको तीनों असाइनमेंट मिल जाएंगी। लैपटॉप ना दरअसल बात है कि आ जाया था इस वजह से। अच्छा जी, लैपटॉप आपका आ जाया था, जी सर तो वो आपने प्रीवियस लेक्चर सारे वॉच किए हैं, आपको समझ आ गई है उनकी? सर आज साथ साथ असाइनमेंट बनाऊंगा, पहले लेक्चर की और साथ लेक्चर वॉच करूंगा। ये अब तरीकेकार जो है ना, ये फिर आपको जो है ना बेटा आगे से आगे सबका काम जो है वो इकट्ठा होता जाना है। आज का लेक्चर भी अगर आपका हो गया तो ये थर्ड असाइनमेंट भी आपके ऊपर पेंडिंग हो जानी है, और ये तीन असाइनमेंट पे जो। सर आज इंशाल्लाह मैं तीनों असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा, आपको वेडनेसडे को तीनों मिल जाएंगे। चलो चलें ठीक है, मैं अभी आपकी पेंडिंग कर रहा हूँ जी मोइस सर की, यहाँ पे ये आपने मुझे इकट्ठी बेटा चेक करवानी है। इंशाल्लाह अच्छा सर। जी, नईम बेटा आप आ जाए, अनम्यूट हो प्लीज। नईम अस्सलाम वालेकुम सर, जी बेटा वालेकुम सलाम। जी शीट तो बेटा ये नहीं आपकी। हाँ जी, बोले। हाफ कंप्लीट है, हाफ कंप्लीट है मेरी। लेकिन वो मैं कल वो मैंने कंप्लीट तो की थी, लेकिन अब वो जब मैं जाके लॉग इन करता हूँ हीलियम पे, तो वो जो एडिट फिल्टर है ना, उसमें वो वाली शीट नहीं आ रही। अच्छा वो मैं अभी नहीं, कॉपी भी कर रहा था, लेकिन वो मुझे उसकी वो समझ नहीं आई। फिर वो एडिट फिल्टर में कल वाली वो नहीं आ रही उसकी अब। नहीं वो बेटा जब आपने देखे ना, ये जिस वक्त आपने वो क्राइटेरिया दिया था ना, हाँ तो आपने वो शीट जैसे मतलब ये सर्च करके तो शीट आपकी आ गई, आपने देख लिया आपके मेरी अब ये प्रोडक्ट फाइंड होके आ गई है, तो देन आपने एडिट फिल्टर को क्लिक करना था, तो वहाँ पे आपका सारा वो दिया हुआ क्राइटेरिया आ जाना था, तो उसके आपने दो स्क्रीनशॉट ले लेने थे। नहीं, वो मैंने वैसे
वैसे तो स्क्रीनशॉट लिए थे लेकिन वो स्निपिंग में नहीं लिए मैंने, वैसे किसमें लिए फिर आपने वो? मैंने रफली ले लिए थे उसके स्क्रीनशॉट। वो कहते तो मैं कॉपी करा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा वो नहीं, देखें जब तक आप स्टेपिंग टूल से स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तब तक आपके स्क्रीनशॉट कैनवा तक नहीं पहुंचेंगे। स्निपिंग चले टूल वो से तो आप मेरा लेंगे, क्वेश्चन ये है कि अब मैं जो मैंने कल क्राइटेरिया दिया था, अब वो एडिट फिल्टर में वो नहीं शो होगा? अब तो नहीं वो शो होगा। या तो आप उसको सेव फिल्टर कर लेते ना, फिर वो आपके सेव हो जाना था। तो अब वो आपने सेव फिल्टर तो ठीक हो गया, वो सेव भी भी नहीं बता किया। दीजिए। हाँ तो आपने वो सेव नहीं किया, तो अब उसका यही हाल है कि जो क्राइटेरिया आपने दिया है ना वही क्राइटेरिया दोबारा दे के ठीक हो गया, अब शीट आप ना निकालिएगा, सिर्फ उस क्राइटेरिया के आप दो स्क्रीनशॉट लेके तो यहाँ पे लगाएं ओके हो गया, सेकंड असाइनमेंट में, ठीक है ना। बाकी मैं ओके हो गया। शीट आपकी चेक कर लेता हूँ, शीट से भी क्राइटेरिया का पता चल जाएगा आपने ठीक दिया हुआ है कि नहीं। अच्छा जी, ये आपकी आ गई FPA एंड FPM, MBSR आपका भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है आपकी प्रोडक्ट की। 8 to 50 प्राइस दी थी आपने? हाँ यस सर, जो जी हाँ आपने वो दी थी वो ही सेम प्राइस है। ठीक है, आपका ये ठीक हो गया जी। सही है, मंथली सेल्स आपकी 1000 अबव भी है। ओके वेरी गुड, चले शीट आपकी बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, क्योंकि अब आगे आपका जो हंटिंग का नेक्स्ट सारा प्रोसीजर है ना वो इसी शीट के ऊपर ही बेटा चलना है। तो शीट जो है आपकी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होनी सबकी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये 500 प्रोडक्ट्स होंगे। यस सर, हाँ 500। बिल्कुल ठीक है, 500 से ऊपर ठीक हो गया, एक्सीलेंट वेरी गुड गुड जॉब। बस आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा तो फिर वो खुद। अच्छा जी सही, चले गुड हो गया जी। ये आ गई 9 की। अच्छा जी, नजम बेटा आप अनमिट हो जाएं प्लीज नजम। जी जी अस्सलाम वालेकुम बेटा वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये आपका क्राइटेरिया का लिंक आ गया। ओके अच्छा, amazon.com एडवांस ठीक है, कैटेगरीज ऑल 525 850 ओके 1000 मिनिमम सेल्स आ गए, 250 रिव्यू काउंट, 4.2 रेटिंग वेरी गुड, 60,000 मैक्सिमम में आपका BSR आ गया। अच्छा जी ठीक है, शिपिंग साइटेड ऑल फुलफिलमेंट बाय 2 1 to 4 वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपकी शीट आ गई जी, शीट को आपके देख लेते हैं। ओके गुड, BSR भी ठीक है, प्राइस सेल्स वेरी गुड ठीक है। कितनी प्रोडक्ट आपकी आई हैं? 500। ओके गुड हो गया, वेरी गुड गुड जॉब बेटा, यू सर। जजाकल्ला। अच्छा जी, ये हैं नचम, एक्सीलेंट वर्क बाय नचम। जी बेटा वकार, आप बेटा अनम्यूट हो प्लीज। अच्छा जी, ये आपका लिंक आ गया। नजम बेटा आप अब म्यूट हो जाए ना, आपका काम खत्म हो गया। वकार ओके ओके सर, आप बेटा अनम्यूट हो जाए। मेरी अच्छा फर्स्ट जी, असाइनमेंट भी चेक करें ना सर, पहले फर्स्ट असाइनमेंट चेक करें। जी अच्छा जी आपकी फर्स्ट रहती है तो सर, होती है। ओके ओके फर्स्ट ठीक है, चाहिए आपके आगे। अच्छा जी, amazon.com ठीक है, पार्सल डिलीवरी वेरी गुड। क्या है आपकी आगे, न्यूयॉर्क डिलीवरी, US मार्केट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ इसका बेटा आपने ऊपर से डोमेन छुपा लिया, डोमेन का आपने स्क्रीन शॉट नहीं लिया, लेकिन ये आपकी मार्केट यूके की है, यहाँ से शो हो रही है कि आप जी सर, चलिए amazon डॉट को डॉट यूके में बात है। ठीक है इसका ख्याल करते हैं रखें। अगले सेट। ये आपकी आ गई यहाँ से मैनचेस्टर डिलीवरी एक्सीलेंट वेल डन बेटा, ठीक है शाबाश। अच्छा जी, ये ठीक आपकी सेकंड वन आ गई, है, ये सेकंड टू वाला। फिफ्टी 4.2 60,000 शिपिंग सेटर ऑल
ओके ठीक है, गुड। फुलफिलमेंट बाय टू, वेरिएशन 1 to 4, शिपिंग साइज टायर का यहाँ आपका स्क्रीनशॉट की जरा। अच्छा ये आ रहा है नीचे, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स हो गए, प्राइस 850, शिपिंग साइज टायर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है आ गया। अच्छा जी, अब आपकी ये है शीट, जी शीट बेटा आपके देख लेते हैं। अच्छा जी, बी एस आर इज आपके प्राइस एक्सीलेंट, सेल्स आपकी बिल्कुल ठीक है। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ₹500 प्रोडक्ट्स हैं आपके भी, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा जी, ठीक थैंक यू बेटा। जी मैडम, इकराम है हमारे साथ। इकराम जी, बिलाल, बिलाल भी है जी, साथ साथ बेटा आप अनम्यूट हो जरा प्लीज। जी सर, ए वकार बेटा, आप म्यूट हो जाएं, साथ आप अनम्यूट हो जाएं, ठीक है। अच्छा ये चॉइस के नाम से आपका है आईडी साथ, यस इसको बेटा अपने नेम से करें ना, मैं जी यहाँ से, साथ है सर। मैं इसको यहाँ से रीनेम करने लगा हूँ, क्योंकि ऐसे फिर पता नहीं चलता, अपने नेम से रखें, ठीक है। अच्छा जी जी ये हो गया। आपकी ये आपकी असाइनमेंट। अच्छा आपकी दोनों चेक होने वाली हैं, चले देखते हैं आपको बेटा फर्स्ट बारी पहले। अच्छा सर, वो जो क्राइटेरिया के मैंने वो स्क्रीन शॉट नहीं लगाए, वो अब एडिट फिल्टर में जाके वो सारी नई शीट ही बनानी पड़ेगी, सारा प्रोडक्ट्स जो नए से लॉन्च करनी पड़ेंगी। नहीं, सिर्फ आप ब्लैक बॉक्स में जाके जो क्राइटेरिया आपने उस शीट में दिया था ना, वही क्राइटेरिया हाँ, दे के उस क्राइटेरिया अब वो उस हाफ खुलता है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं आता उसका, क्राइटेरिया नहीं, वाला। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जरा। ये बेटा, अगर इस क्राइटेरिया में थोड़ी सी मिस्टेक हुई ना, तो ये आपकी शीट सारी ही गलत हो जाएगी। एक डिजिट की भी मिस्टेक हुई तो, ये जब आप हंटिंग पे जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे होगी सारी शीट को। नहीं माँ, आप बेटा म्यूट हो जाएं, आप साथ साथ रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं कोई प्रीवियस। अच्छा जब आप ब्लैक बॉक्स को बेटा ओपन करेंगे ना, बात समझ लें जरा आप अच्छी तरह से। जब आप ब्लैक बॉक्स को ओपन करेंगे ना, तो उसके नीचे आ रहा होता है उसके ना, थोड़ा सा कॉर्नर में साथ नीचे आ रहा होगा। सर ये जो आपके अब ये टूल्स में प्रॉब्लम आई है, अभी मेरे भी आई थी, फिर मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा था, उसने फिर सारी सेटिंग दोबारा की है। ये है ना, मुझे करनी पड़नी है ना, मैं तो खुद ही कर लूंगा, लेकिन उसमें 10 मिनट लग जाने, फिर आपकी क्लास लेट हो जानी है, एक्सटेंशंस को दोबारा से ना रिफ्रेश करना पड़ना है मुझे, तो उसमें फिर 10-15 मिनट लग जाने, इसलिए मैं आपको टूल से समझाना चाह रहा था, लेकिन अब मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि वो जो आपका ब्लैक बॉक्स जब ओपन होता है, तो पहले उसके ना नीचे आता है थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा होगा एडवांस, आई थिंक लिखा होता है,
तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वो एडवांस फिल्टर ओपन हो जाएगा, एडवांस सारा नीचे वाला पेज भी खुल जाएगा क्राइटेरिया का। तो उसके ऊपर आपने सारा डिटेल से क्राइटेरिया देना है, वही क्राइटेरिया देना है जो आप जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने अपनी शीट निकाल ली है। तो वो क्राइटेरिया दे के सर्च नहीं करवाना, उसके दो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, और उसकी आप कैनवा पे प्रेजेंटेशन बना के तो लिंक टू में लगा दें, ठीक है? समय लगे कि नहीं? अहमद, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, समय लगे कि नहीं आपको? चलिए जी सर, लड़की समझ मेरा बताएं। ध्यान आप ही की तरफ है। जी अच्छा जी, ठीक है। अच्छा साथ बेटा आप अनम्यूट हो जाएं, और अहमद आप ठीक है, अनम्यूट हो गए। सर, अच्छा जी बेटा, ये आपकी थी असाइनमेंट, ये थी। अच्छा ये थोड़ा सा देखे ना, ये डोमेन आपने ना यहाँ से क्रॉप कर दिया ऊपर से, ये आपने बेटा दिखाना होता है ताकि हमें पता चले आप किस मार्केट में हैं। अब मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है ये अमेजोन डॉट कॉम है, आपकी US मार्केट ही है। वेरी गुड, ठीक है। ये आपकी फंक्शन डिलीवरी का स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ ये देखें, यहाँ पे आपका डोमेन बिल्कुल क्लियर और वाजे है, ये आपने डिलीवरी चेंज की है न्यूयॉर्क। ओके गुड। अच्छा जी ये आपका आ गया। अब यहाँ से भी बेटा आपने डोमेन छुपा लिया हुआ है, लेकिन ये जो आपकी UK मार्केट का ही है। ओके फंक्शन डिलीवरी, देन आप आ जाएं, ये आपकी UK की मानचेस्टर होगी। वेरी गुड, चले एक्सीलेंट, गुड जॉब। अच्छा जी ये आपका सेकंड सेकंड अफ्रीका असाइनमेंट, क्राइटेरिया फ्री का क्या आ गए? अच्छा जी 256,000, 4.262 फुलफिलमेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी वेरिएशन 1 to 4, सेलर्स 525, ओके गुड गुड। प्राइस 850, 1,000 सेल्स, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कैटेगरीज ऑल है आपकी, बिल्कुल ठीक है क्राइटेरिया, गुड। अच्छा जी जी आपकी शीट है, थोड़ा शीट को देख लेते हैं। अच्छा जी ये आपका आ गया, BSR इज ओके, प्राइस भी आपकी ठीक आ रही है, सेल्स भी ठीक है, ओके गुड। शीशा लेकर बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, बोले ना अंदर, या अगर बोलना है तो फिर म्यूट हो जाएं आप, फिर गए आपने अंदर बात करनी है ना तो फिर बेटा म्यूट होके बात करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और ये अपलोड हो रही होती है, फिर रिकॉर्डिंग सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी ठीक है बेटा, वेल डन, गुड जॉब, एक्सीलेंट बाय साथ। अच्छा जी साथ के आगे ये आपका 9 चैलेंज, गुड हो गया। अच्छा सर, जी अब हमारा भी कीपा नहीं चल रहा। कीपा नहीं चल रहा, कीपा का तो अभी काम ही नहीं आया, शुरू हुआ बेटा। कीपा आपको आपको कीपा यूज़ करना आता है? हाँ जी, आता है। बेटा अभी कीपा का काम शुरू ही नहीं हुआ है, तो जब होएगा तो फिर देखेंगे क्यों नहीं चलता वो, उसकी तबीयत ठीक कर देंगे, डोंट सर, वरी। अभी आपका ही वो सर क्राइटेरिया में जो मसला आ रहा है वो मैंने आपको व्हाट्सएप किया ग्रुप में, वो जरा देख लें एक दफा मैं समझ वो। गया हूँ बेटा, जो मसला आप बता रहे हैं ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ अभी। ये आपका आ गया, ग्रुप में किया है। हाँ जी बताएं, यहाँ पे क्या मसला है? अहमद बोल रहे बेटा, क्या क्या इसमें इशू है? सर ये जो मैंने ये फिल्टर वाला पेज है ना, ये पूरा नहीं ओपन हो रहा ना। ये देखे ना, ये नज़र आ रहा है इसका, यस सर, ये इसका कर्सर है, ठीक है? कर्सर ऊपर नहीं ना हो रहा, नहीं नीचे इसको आ जाता ऊपर नहीं जाता। इसको यहाँ से पकड़ के आपने नीचे को लेके आना है, ठीक है, ये ऊपर को तो हुआ हुआ है, इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लेके आएंगे तो ये पेज ऊपर को चलना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है सर, ओके देखिए ओके जैसे मैं इस पेज को यहाँ से पकड़ के नीचे ला रहा हूँ ना, तो ये आ रहा है ना यस सर, नीचे को, इसी तरह उसको यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ से, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये नीचे को आना शुरू हो जाएगा। और साथ ये कैटेगरीज आपने एक सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे, वो यहाँ तो ऑल होंगी ना, कैटेगरीज ऑल करनी है आपने। ये वो तो ऑल ही है वो तो। फिर अब मेरे से ये ऊपर नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने वो ज़रा छोड़ दिया। यहाँ से इसको पकड़ना आपने, ये इसका है वो कर्सर,
यहाँ से पकड़ के इसको नीचे को लेके आएंगे तो ये पेज ऊपर को जाएगा। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये कोई हमने ओपन की, ये इस वाले को जब मैं पकड़ के नीचे को लेके आता हूँ तो ये पेज जाता है ना ऊपर को, यस सर, इसी तरह से वो वाला भी जाएगा आपका। ठीक है, ओके हाँ हो गया। जी। अच्छा जी, चलें अब आपको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। खैर पहले मैं टूल को ज़रा चेक कर लूँ, क्योंकि टूल से ही काम होना है। टूल इंस्टॉल जी, ओके। नहीं बेटा आप म्यूट हो जाए, नहीं म्यूट म्यूट हो आपकी तरफ से बेटा, आवाज आती है, आप रिकॉर्डिंग से सुन रहे हैं। अच्छा, जब सब क्लास यहाँ पे तोजा करें, 8 मिनट लिंक में रह गए हैं, तो 8 मिनट में आपको मैं लेक्चर देता हूँ, फिर नया लिंक सेंड करेंगे। अच्छा ये देखें, ये आपका हीलियम हमने लॉगिन कर लिया और हम ब्लैक बॉक्स पे आ गए। ठीक है, ब्लैक बॉक्स हीलियम का ही एक फीचर है जो कि हमें हेल्प करता है ब्रांड्स को और प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ को जनरेट करने में। ठीक है, जिनको फिर हम फर्दर अपना जो है वो क्राइटेरिया मीट करवाते हैं और उन पे फर्दर एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, और उनमें से फिर हम अपनी प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट के थ्रू ब्रांड्स को और प्रोडक्ट्स को आइडियाज को जनरेट करना सीखा था, जिसमें आप सब ने अपनी शीट्स जो है वो डाउनलोड करके अपलोड की है। ठीक, अब हम कीवर्ड के थ्रू किस तरह से आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और किस तरह से ब्रांड्स को आपने आइडियाज़ को जनरेट करना है, यह हम आज सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, देन आपने अपनी मार्केट चेक कर लेनी है, या आपकी amazon.com होनी चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए मार्केट आपकी amazon.com, और अब हम आ गए हैं कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने क्राइटेरिया अपना वही देना है जो कि हमारा यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, वो क्या है, सर्च वॉल्यूम को आप स्किप करेंगे, मंथली रेवेन्यू को भी आप स्किप करेंगे, प्राइस हमारी है 8 to 50। ठीक हो गया। अच्छा जी, रिव्यू काउंट आपको पता है कि रिव्यू हमारे मिनिमम हम कहते हैं कि 250 हमारे रिव्यू हों। ठीक है, रिव्यू रेटिंग हमारी होती है 4.2 मिनिमम बार में। अच्छा जी, वर्ड काउंट को आप स्किप कर दें, ऊपर की लाइन में से आपने यही तीन चीजें फिलअप करनी है, एक प्राइस, एक रिव्यू काउंट और एक रिव्यू रेटिंग, और रिव्यू रेटिंग और रिव्यू काउंट को मिनिमम बार में पुट करना है। अच्छा देन ये देखिए आता है एडवांस फिल्टर। अच्छा ये देखिए लिखा हुआ है एडवांस फिल्टर, इसको अगर मैं वन टाइम क्लिक करूंगा ना तो ये फिल्टर मेरा यहाँ पे इतना रह के खत्म हो गया। तो यही चीज मैं एमएस आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आपको ऐसे ये शो हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपने फिल्टर को एडवांस कर लेना है। ठीक है, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका फिल्टर एडवांस ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट में भी आपको ऐसे शो होगा तो आप यहाँ से इसको एडवांस कर लें क्लिक करके, कीवर्ड में भी आपको ऐसे शो होगा। तो हमने एडवांस करने के बाद ये जो कैटेगरीज हैं इनको हम ऑल करेंगे,
ठीक है, ये हमारी ऑल कैटेगरीज आ गई। कीवर्ड सर्च को स्किप करें, एक्सक्लूड कीवर्ड को भी स्किप करें, शिपिंग साइज टायर, हाँ जी ये हम अपना करेंगे ऑल, कि हमें ऑल साइज टायर की आप प्रोडक्ट दिखा दें। देन आप थोड़ा सा नीचे आए, हाँ नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ सेलर आपके मिनिमम 5, कि 5 से कम सेलर वाली ना दिखाना और 25 से ज़्यादा सेलर वाली हमें प्रोडक्ट ना दिखाना। वेरिएशन काउंट आप इसमें भी 1 to 4 कर सकते हैं, कि 4 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो। अच्छा मंथली सेल्स, मंथली सेल्स आप इसे कह दें कि हमारी मंथली सेल होनी चाहिए 1,000, ठीक है। अच्छा जी 1,000 आपकी मंथली सेल्स हो गई। बेस्ट सेलर रैंक BSR, आपको पता है कि मैक्सिमम में हमारा 60,000 होता है, ठीक है जी। ये आपने BSR दे दिया। फुलफिलमेंट आपकी आएगी FBA और FBM। अच्छा जी एज मंथ, और ये सारा आगे वाला आपने इसको स्किप कर देना, छोड़ देना। यहाँ से आपने कैटेगरीज ऑल की, नंबर ऑफ सेलर 5 to 25 की है, वेरिएशन काउंट 1 to 4 दिया, मंथली सेल्स आपने 1,000 मिनिमम बार में कर दी, कि 1,000 से ऊपर की सेल्स वाले प्रोडक्ट दिखाओ, और BSR आपने दे दिया बेस्ट सेलर रैंक 60,000 मैक्सिमम बार में, ठीक है। और बाकी आपने स्किप कर देना है, फुलफिलमेंट आपने 2 कर दी, FBA और FBM। अच्छा अब आपने इसको सर्च नहीं करवाना, इसकी शीट अब आप डाउनलोड ना करें। शीट जो आपने एक अब डाउनलोड कर ली है अपने असाइनमेंट शीट के ऊपर, वही बहुत है, उसी पे हम आगे काम करेंगे। अब आपने ये क्राइटेरिया देने के बाद इसका लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। कैसे, एक इसका आप देखें, या आप इसको ऐसे करें, आप इसको सर्च करवाएं, यहाँ से आप इसको सर्च करवा लें। आपने सर्च करवाया तो ये हमारी प्रोडक्ट अब आई है, 200+ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी आपने क्या करना है, यहाँ रख के ना एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका, इस तरह से आप अपना जो है स्लिपिंग टूल को ऑन करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ये मार्केट आपने हमें अंदर दिखानी है कि आपने amazon.com किया होगा नहीं, और ये पूरा क्राइटेरिया जो आपने दिया हुआ है ये आपने हमें दिखाना है, ठीक है। क्राइटेरिया एक्यूरेट देना जैसे मैंने दिया है, और इसको आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये हमने कॉपी कर लेना है, इसको आपने कैनवा पे ले जाना है उसी तरह से, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ गई, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, ये वाली आप प्रेजेंटेशन ओपन कर लें। अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ से आप रीनेम करें, ठीक है। फाइल पे चले जाएं, कौन सी प्रेजेंटेशन है, A3, A3 बैच 11, ठीक है। तो ये इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ A3, ठीक है। इसको आप यहाँ से सेव कर लें, ये आपके कैनवा में डाटा सेव हो जाएगा। अब वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट करें, ठीक हो गया जी। इसको यहाँ सेट करें, ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया। प्लस के साइन से सेकंड पेज ओपन करें। अच्छा जी अब आप आ जाए अपने उधर ही, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया कीवर्ड के थ्रू आपका सारा क्राइटेरिया जो आपने पुट किया है। सेकंड आप यहाँ पे आए नीचे, ये जो आपकी प्रोडक्ट आई है ना सर्च होके, खासकर ये वाला एरिया, ये आपने दिखाना है अपने स्क्रीनशॉट में, ठीक है, कि कितनी प्रोडक्ट आपकी फाइंड आउट होके आई है। तो आप इसी तरह से स्नैपिंग टूल को क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे करके, ये वाला, ठीक है। ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट होगा, इसको एडिट पे जाके कॉपी करें, और देन कैनवा पे आ जाएं, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दें, ठीक है। इसको यहाँ से कॉर्नर से छोटा करें, सेंटर से पकड़ के इसको यहाँ पे सेट करें आप, और यहाँ से इसको आप स्प्रेड करके खींच लें, ठीक हो गया। ये आपके 2 स्क्रीनशॉट हो गए। थर्ड स्क्रीनशॉट अब आपका होगा, अच्छा जी ये आपके हो गए 2 स्क्रीनशॉट किसके, कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के, एक क्राइटेरिया का, दूसरा आपकी प्रोडक्ट की फाइंडिंग का। देन हम आएंगे कंपिटिटर के थ्रू, ठीक है। कंपिटिटर के थ्रू आपने किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये देखें, ये आपका कंपिटिटर के थ्रू आ गया। अच्छा अब लिंक आपका खत्म होने वाला है, तो मैं आपको नया लिंक सेंड करता हूँ, उसको आप जल्दी से ज्वाइन करें, तो फिर हम उस नए लिंक में लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो साथ में मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ कि आपने कौन सी करनी है, ठीक है।
चलें, नए लिंक को आप ज्वाइन करें फौरी से, ये लिंक का बैंड होने लगा है।